नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नाइन और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। गंगा घाट नगर पालिका के बाहर पालिका प्रतिनिधि राजेश गुप्ता और नगर के सभी सभासदों की उपस्थिति में पुलवामा में शहीद हुए 45 जवानों का बदला लिए जाने की खुशी जाहिर की। भारतीय सेना आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला कर आतंकवाद को जड़ से खत्म करने वाले आह्वान कर दिया है, जिससे पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। गंगा घाट नगर पालिका परिषद के बाहर पालिका प्रतिनिधि गोल्डी गुप्ता व अन्य सैकड़ों लोगों ने आतिशबाजी व ढोल ताशे के साथ जश्न मनाया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। राजेश गुप्ता गोल्डी ने कहा कि आतंकवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो इंसानियत के लिए खतरनाक है। आतंकवाद का सफाया पूरे भारत से नहीं बल्कि पूरे विश्व से होना चाहिए। आज जो भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया है आतंकवादियों को, उनको 300 उनके जो आतंकवादी मारे हैं, इससे पूरा देश जश्न में है। हम वीरों के अपने जो शहीद जो हुए थे 14 फरवरी को, उनको वापस तो नहीं ला सकते हैं, उनके परिवारजनों को जिनकी कमी तो नहीं पूरी कर सकते हैं, लेकिन 42 के बदले अगर 42,000 मार दिए जाएंगे तो हम लोग उनको थोड़ा तसल्ली जरूर दे सकते हैं कि हाँ देखो उनकी कुर्बानी बेकार नहीं गई, व्यर्थ नहीं गई। आज पूरा देश इंतजार कर रहा है कि जब आतंकवाद का सफाया पूरे देश से नहीं पूरे विश्व में हो जाए। और मोदी जी का जो कहना था, उनकी कथनी करने में कोई अंतर नहीं, उन्होंने कहा और उन्होंने कर दिखाया है, और मुझे लगता है कि उनके आदेश से आगे ऐसी ही कार्रवाई चलती रहेगी और आतंकवाद का सफाया होगा। जय हिंद, जय भारत। उन्नाव से सिद्दीक अहमद की रिपोर्ट। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।